आज पुलवामा अटैक के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पहले आज ही के दिन हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। पूरी देश की जनता गुस्से में थी। इस हमले के एक ही दिन बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा, और फिर भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई। इस बार बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक करने की योजना सरकार के सामने रख दी, जिसको सरकार ने मंजूर कर लिया। पुलवामा अटैक के दूसरे दिन से ही रो और आईबी आतंकी ठिकानों की जानकारी इकट्ठा करने में जुड़ गई थी, जिसमें 3 टारगेट्स को सिलेक्ट किया गया। और फिर आखिरकार 26 फरवरी को जब पूरा देश सो रहा था, तब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी बॉर्डर पार कर ली। इस एयर स्ट्राइक में 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स मौजूद थे, जिसने 1000 किलोग्राम तक बम गिराए थे। इससे भारत ने 40 जवानों का बदला 400 आतंकवादियों को मार कर दिया था। इसके बाद भारत ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि हम किसी को छेड़ते नहीं, और अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। जय हिंद।